नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक और नई औषधि के बारे में जानकारी देंगे। इस औषधि का नाम है गुग्गल, इसे गुगलू के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आप इसका उपयोग करते हैं, सेवन करते हैं तो इसे डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, क्योंकि ये शरीर को जितना फ़ायदा पहुँचाता है इतना ही नुकसान भी दे सकता है। तो दोस्तों, आज हम आपको ये बताएंगे गुग्गल के कौन कौन से फ़ायदे हैं। आज हम बताएंगे कि इससे कितनी मात्रा में आपको ये लेना चाहिए, पर हम आपको इसकी पहले पहचान करा देते हैं। दोस्तों, आप ये गुग्गल का पेड़ देख रहे हैं, ये रेतीली और पर्वतीय भूमि में पाया जाता है। इसके पत्ते छोटे छोटे नीम के पत्ते के समान होते हैं। फूल बिल्कुल छोटे छोटे 5 पंखुड़ी वाले होते हैं। इसके फल छोटे छोटे पेड़ के समान होते हैं और इनमें 3 धार होती हैं, जिसे गुलिया कहा जाता है। इसके फल पेट दर्द को दूर करने में लाभकारी होते हैं। गुल की तासीर गर्म होती है। गोंद कतीरा गुल के गुणों को सुरक्षित रखता है। आप इसका सेवन 2 से 4 ग्राम की मात्रा में कर सकते हैं। गुगलू से दस्त और भूख कम लगना, कब्ज, बवासीर, पेट के कीड़े होना आदि रोगों में गुगलू बहुत ही लाभकारी होता है। गुगलू 5 प्रकार का होता है। महिषाक्ष गुगल कोयले के रंग जैसा होता है, इसे गुगल भैंसा गुगल भी कहते हैं। महानीन गुगल वह गाढ़े और नीले रंग का होता है। कुमुद गुगल कुमुद के फूल के रंग के समान होता है। पद गुगल माणिक्य के समान लाल रंग का होता है। हिरण गुगल सोने के समान होता है और मनुष्य के लिए हिरण नाम वाला ही गुगल लाभदायक और हितकारी होता है। गुग्गल कैसा होना चाहिए? जो गुग्गल चिकना हो, स्वर्ण के समान रंग वाला हो, पक्की जामुन के समान सब रूप वाला हो, पीला हो, वही गुग्गल सबसे अधिक लाभकारी होता है। नया गुग्गल वीर्य को पैदा करने वाला होता है, यह बल को बढ़ाता है और पुराना गुग्गल विष के समान होता है। आप गुल की परीक्षा कैसे कर सकते हैं? जो गुग्गल आग में डालने पर जल जाए, गर्मी में रखने से पिघल जाए, गर्म पानी में डालने से गल जाए, ऐसा गुग्गल सबसे अधिक लाभकारी होता है। शुद्ध करने की प्रक्रिया, गुग्गल के टुकड़े करके दूध में अच्छी तरह से डालकर पकाइए, इससे गुग्गल शुद्ध हो जाता है। इसका एक और उपाय है, गिलोय के काढ़े में गुग्गल को मिलाकर छानने और सुखा देने से गुग्गल शुद्ध हो जाता है। दोस्तों, हमने आपको गुग्गल की पहचान के बारे में बताया। आप इसे आसानी से पहचान कर अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि कितनी मात्रा में आपको इसे लेना चाहिए और कौन से रोगों में लेना चाहिए। दोस्तों, पहला उपाय उनके लिए जिनके बाल उड़ गए हैं और गंजेपन की समस्या है। आप इसके लिए गुग्गल को गन्ने के सिरके में अच्छी तरह से घिस लीजिए, पीस लीजिए और उस पेस्ट को गंजेपन के स्थान पर लगाइए जहां पर आपके बाल उड़ गए हैं। 3 महीने में ही आपके नए बाल उगने शुरू हो जाएंगे और वह काले और चमकदार बाल होंगे। दोस्तों, अगला उपाय उनके लिए है जिनके फेफड़ों में सूजन है, दर्द है या जख्म की शिकायत है। आप इसके लिए 120 मिलीग्राम से लेकर 960 मिलीग्राम की मात्रा तक आप गुग्गल लीजिए और गुड़ के साथ दिन में कम से कम आप 3 से 4 बार उसका सेवन करते हैं तो कुछ ही दिनों में फेफड़ों के दर्द की समस्या, सूजन की समस्या, अगर किसी प्रकार के जख्म है तो वह भी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अगला उपाय महिलाओं के लिए है जिन महिलाओं के गर्भाशय में दोष है या कोई रोग है, सूजन है, दर्द की समस्या है या बांझपन की शिकायत है। आप इसके लिए 120 मिलीग्राम से लेकर 960 मिलीग्राम की मात्रा तक आप गुग्गल लीजिए और गुड़ के साथ कम से कम 6 घंटे के दौरान आप इसका सेवन करते रहें जब तक आपके गर्भाशय के रोग ठीक ना हो जाएं। इससे बांझपन की भी समस्या दूर होगी और गर्भाशय पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। सूजन की समस्या है तो वह भी ठीक हो जाएगी, दर्द की समस्या है तो वह भी ठीक हो जाती है। अगला उपाय उनके लिए है जिनके कमर में अक्सर दर्द की समस्या बनी रहती है या सूजन की समस्या रहती है। आप इसके लिए गुग्गल ले लीजिए और पानी में अच्छी तरह से डालकर उसे उबाल लीजिए। पकाने के बाद जब वह हल्का गर्म रह जाए तो उस लेप को आप अपनी कमर पर लगाइए, सभी तरह के दर्द ठीक हो जाते हैं। अगर किसी भी प्रकार से सूजन है कमर में तो वह भी ठीक हो जाती है। अगला उपाय उनके लिए है जिनका शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। आप इसके लिए 240 मिलीग्राम से लेकर 960 मिलीग्राम तक की मात्रा में गुग्गल लीजिए और गाय के देसी घी के साथ आप इसका सुबह और शाम सेवन करते हैं तो शरीर में किसी भी प्रकार से कमजोरी आई हो वह पूरी तरह से कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है और शरीर स्वस्थ और सुंदर हो जाता है। अगला उपाय उनके लिए जिन्हें लकवा पड़ गया है, फालिस की समस्या है, पैरालिसिस की समस्या है। आप इसके लिए गुग्गल लीजिए 240 मिलीग्राम की मात्रा से लेकर 960 मिलीग्राम की मात्रा तक और रोज़ गाय के घी के साथ देसी घी लीजिए। आप गाय के घी के साथ सुबह और शाम इसका सेवन करते हैं तो लकवे के रोगी को बहुत ही फायदा होगा। इसके लिए एक और उपाय है, आप इसके लिए अरंड के तेल में गुग्गल को अच्छी तरह से पीस लीजिए और उस पेस्ट को उस हिस्से पर लगवाइए जहां फालिस पड़ी हुई है। फालिस के रोगी को उससे बहुत ही आराम होगा और कुछ ही सप्ताह बाद वह ठीक भी हो जाता है। अगला उपाय उनके लिए जिनका शरीर अधिक मोटा है और वे अपने शरीर को पतला करना चाहते हैं, आप इसके लिए शुद्ध गुग्गल लीजिए 1 से 3 ग्राम की मात्रा में और गर्म पानी के साथ दिन में कम से कम 3 बार सेवन करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपका शरीर पतला होगा और स्वस्थ और सुंदर होगा। अगला उपाय उनके लिए है जिनके शरीर पर पुराने जख्म बने हुए हैं, उनसे खून आता है और खून के साथ पीप आता है,
तो आप इसके लिए 120 मिलीग्राम की मात्रा से लेकर 960 मिलीग्राम तक की मात्रा आप लीजिए गुगल की, और गुड़ के साथ मिलाकर उसका आप सेवन करते हैं तो कुछ ही दिनों में घाव भी पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, खून भी साफ हो जाएगा और पीप की समस्या बनी रहती है तो वह भी ठीक हो जाएगी। अगला उपाय उनके लिए है जिनके चेहरे पर कील मुहासे या झाइयों की परेशानी रहती है या किसी भी प्रकार के काले धब्बे बने रहते हैं, आप इसके लिए 240 मिलीग्राम से लेकर 960 मिलीग्राम तक की मात्रा में गुग्गल लीजिए और गाय के देसी घी के साथ आप सुबह और शाम इसका सेवन करते हैं तो कुछ ही दिनों में चेहरे के सारे दाग धब्बे मिट जाते हैं, कील मुहासे, फोड़ी, फुंसियाँ ये पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और चेहरा सुंदर और चमकीला हो जाता है। अगला उपाय उनके लिए जिनके शरीर में लंबे समय से सूजन बनी हुई है या लंबे समय से कब्ज की समस्या है, आप इसके लिए 5-5 ग्राम की मात्रा में गुग्गल लीजिए और त्रिफला का चूर्ण लीजिए। रात को सोने से पहले गर्म पानी के साथ आप इसका सेवन करते हैं तो लंबे समय से अगर आपके शरीर में कब्ज की समस्या है तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है, अगर सूजन की समस्या है तो वह भी दूर हो जाती है। अगला उपाय उनके लिए जिनके गले में गांठे हो जाती हैं या नाक में गांठे हो जाती हैं, आप इसके लिए गुग्गल को पानी में अच्छी तरह से पीस लीजिए और उस लेप को गले की गांठों पर लगाइए, नाक में गांठ है तो वहाँ लगाइए, दिन में कम से कम 3-4 बार आप लगाते हैं तो कुछ ही दिनों में गांठें ठीक हो जाती हैं, दर्द की समस्या है तो वह भी ठीक हो जाती हैं। दोस्तों जो भी गुग्गल का इस्तेमाल करें वह इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि वह खटाई मिर्च मसाले का सेवन बिल्कुल ना करें और शराब और सिगरेट का सेवन बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों हम आपके माध्यम से आयुर्वेद को हर घर में पहुंचाना चाहते हैं, हर घर से रोगों को दूर करना चाहते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेदशाला को सब्सक्राइब करें क्योंकि आयुर्वेदशाला है आयुर्वेद की पाठशाला। नमस्कार।